चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर करूँगी, तो परसों का व्लॉग है और इस समय मेरा घर जो है पूरा भरा हुआ है। मेरी नंद हैं और मेरे देवर जी हैं, सब लोग इकट्ठा हैं, तो घर हमारा पूरा भरा है बच्चों से भी और बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग वगैरह बनाने का भी, पर जो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी ब्लॉग में। और अभी आप लोगों को साइड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे हैं, बहुत खेल रहे हैं अभी, तो खेल रहे हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चे उधर बहुत करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो देखिएगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉग जो भी है, थोड़ी बहुत क्लिप बना पाती हूँ सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल की पूड़ी। बनानी था पर फिर मैंने पराठे बनाए थे दाल के, तो सेम रेसिपीज़ की वैसे मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ, दिखा दूँगी कैसे मैंने बनाया है, क्योंकि हर कोई हर वीडियो नहीं देखता है, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ पतीले में मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ जो दाल के पराठे या पूड़ी आप बना रहे हो तो उसके साथ खीर बहुत अच्छी लगती है। और आपने देखा, दाल मैंने पहले से बॉईल कर रखी थी और बॉईल हो चुकी, एक सीटी बस लेनी लगानी थी उसमें। एक सीटी आने के बाद फिर मैंने उसे छान दिया है। और यहाँ पर मैंने जीरा भूंजा है और लाल सूखी मिर्च है उसको भूंज लिया है और लहसुन छील लिए, तो अभी इन सबको मैं पीस लेती हूँ। और ये इसके जो डंठल हैं वो मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर। और जीरा और लाल मिर्च पीस गई है और अब मैं इसमें ही दाल को पीस लूँगी। और ये ना दाल को मिक्सी में नहीं पीसते क्योंकि बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगी, सिल में बहुत अच्छे से पीसती है और इसमें इसको सिल पे ही अगर आप पीस के बनाते हो तो ज़्यादा अच्छे से टेस्ट इसका आता है। बाकी आप सिल मिक्सी जार में भी डाल के पीस सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैं चीनी, मेरी खीर लगभग पक गई है और मैं लास्ट में इसमें चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पापा जी के लिए मुझे खीर निकालनी थी, तो पहले उनके लिए मैंने खीर निकाल ली है और फिर उसके बाद चीनी डालूँगी। और चीनी डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी क्योंकि चीनी को घुलना है, घुलने दूँगी। और चीनी घुलने के बाद फिर थोड़ी देर, जब करीब 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया था, उसके बाद फिर मैंने ये इलायची, कूटली इलायची डाल दूँगी। और इलायची मैंने पापा की जो खीर थी उसमें नहीं डाली थी, ड्राई फ्रूट, तो वो मैंने अलग से उसी कटोरी में जिसमें निकाला था मैंने उसमें भी ऐड कर दिया था, डाल दिया था। और यहाँ पतीले में भी डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट वगैरह आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से डाल लीजिए।
और चीनी को भी, मीठा कैसे खाते हो आप उस हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पर एक कटोरी, बड़ी कटोरी थी वो मैंने डाली थी, क्योंकि खीर भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है। और मैंने करीब खीर करीब 10 मिनट तक पकाई है, क्योंकि मुझे खीर को अपनी गाढ़ी और करनी थी, थोड़ा सा पतली थी तो मैं इसको इसलिए ज़्यादा देर तक पकाई हूँ। और लगभग खीर को पकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर अगर अच्छे से पकानी है और टाइम लगेगा, कम से कम नहीं तो इसे 40 मिनट लग जाते हैं खीर को अगर अच्छे से पकाना है तो। और पर बन के बहुत अच्छी रेडी होती है और बहुत अच्छी बनी थी खीर। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये मैंने यहाँ पर दाल पीस ली है, और अभी मैंने ये जो मसाले पीसे थे वो मिक्स कर लूँगी। इसमें नमक ऐड करना है, और अगर आप इसमें और भी कोई मसाले ऐड करना चाहते हो, अमचूर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए, लेकिन ये जो पराठे का होता है तो इसका ये इसमें जीरा और ये सूखी लाल मिर्च, इसका ही टेस्ट अच्छा आता है। और कोई मसाले डालने के बाद मुझे इसका टेस्ट चेंज लग जाता है तो मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से मसाले इसमें ऐड कर सकते हो, और साइड बच्चों की आवाज़ आ रही है तो माइंड नहीं करना। बस यहाँ पे मैं पराठे बेल कर बना लेती हूँ। आपको पुड़िया खानी है तो आप पुड़िया बना सकते हो। और ये देखिए हमारी खीर और पूड़ी, खीर और पराठे रेडी हैं, पूड़ी बोल रही हूँ मैं। और ये क्लिप दूसरे दिन की है, बच्चों ने केक बनाने की डिमांड करी तो केक बनाया था मैंने, और दो बार करके बनाया था। वैसे तो मैं ओवन में बनाने जा रही थी, लेकिन लाइट जब मैंने तैयार करा सब कुछ तो लाइट नहीं थी। फिर मुझे लगा लाइट पता नहीं कितनी देर में आएगी, बैटर मेरा रेडी था, फिर मैंने इसको कुकर में ही बना लिया। मैंने कहा चलो इसी में बना लेती हूँ, और बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट और कितना अच्छे से निकला है, और काफ़ी टेस्टी भी था, सॉफ्ट भी था। और यहाँ पर ये मेरी भांजी है, इसका डांस देखिए बहुत अच्छा डांस करती है। और ये मेरी भांजी है फ्रेंड्स, और ये डांस कर रही है। मैंने म्यूज़िक को ऑफ़ कर दिया है, कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से म्यूज़िक को ऑफ़ कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को नए हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।